हेलो सलामी नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इको जेड। ऐसी आज़ादी और कहाँ। चलिए आज शुरू करेंगे इंग्लिश के कुछ और चैप्टर्स क्लास 11th के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, क्लास 11th सप्लीमेंट्री बुक का पहला चैप्टर, जिसको लिखा है विलियम सेरॉन ने। उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वह दो अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में लिखी है और एक अर्मेनियन कम्युनिटी के बारे में लिखी है, जिसका नाम है गैरोगेलिनियन ट्राइब। जो कम्युनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं उस ट्राइब का जो नाम है वो है गैरोगेलिनियन ट्राइब। ये अपनी ऑनेस्टी और अपने ट्रुथ के लिए बहुत फेमस है और इनकी दूर दूर तक मिसालें दी जाती हैं कि इनके जैसी ऑनेस्टी और ट्रुथ किसी का नहीं। साथ ही साथ ये जो ट्राइब है वो काफ़ी गरीब है, इनके पास दो वक्त का खाना जुगाड़ भी नहीं हो पाता है। स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि उसमें जो दो बॉयज़ हैं एरम और मुराद, तो एरम जो 9 साल का लड़का है वो अपनी स्टोरी को इस तरह से स्टार्ट करता है और बताता है कि एक समर मॉर्निंग सुबह 5 बजे के आसपास उसकी खिड़की में नॉक होता है और उस नॉक को खोल के जब देखता है, जब वो इस नॉक के बाद खिड़की को खोलता है तो उसे पता चलता है कि बाहर की तरफ उसका कज़िन ब्रदर जो है मुराद वो है। और वो मुराद को देखते ही बिल्कुल शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुराद जो है एक वाइट घोड़े के साथ खड़ा है। वाइट घोड़ा इनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी क्योंकि वह दो वक्त का खाना भी जुगाड़ नहीं कर पाते थे, और ऐसे में मुराद एक वाइट हॉर्स के साथ, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर भी वो बहुत ज़्यादा शॉक होने के बाद भी उससे पूछता है और कहता है कि यार मुझे वाइट घोड़े जो हैं, मुझे जो घोड़े हैं वो बहुत पसंद हैं और मैं इनको राइड करना चाहता हूँ, पर हम इतने गरीब हैं, हमारे पास ये घोड़ा कैसे हो सकता है? तुम ये बताओ कि तुम इस घोड़े को कहाँ से लेकर आए, बताओ ये घोड़ा कहाँ से आया। तो जो मुराद है वो कहता है तुम आम खाओ, गुटलियाँ मत गिनो, अगर तुम्हें चलाना है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। तो वो बाहर की तरफ आता है तैयार होकर और उसे पूछता है कि सच बताओ क्या ये चोरी का घोड़ा है? तो बोलता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, अगर ऐसा ही करना है तो तुम घर चले जाओ, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। फिर दोनों तैयार हो जाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनके घर जो है, उनका घर जो है वो वॉलनट एवेन्यू के आसपास होता है और उनके घर के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा विंड यार्ड है जहाँ पर ये जनरली घुमा करते थे। तो ये अब इस घोड़े के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और जो एरम है वो कहता है कि मुझे घोड़ा सीखने की बहुत इच्छा थी और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ये घोड़ा ले आए। एरम जो है वो कहता है कि पता है तुम्हें, हर फैमिली में एक यूनिक पर्सन होता है जिसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग तरीके का चलता है, वो बहुत अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से जीता है, अलग तरीके से सारे काम करता है। और हमारी फैमिली में है वो है अंकल खुसरो, जो हर चीज़ को बहुत पोलाइटली या बहुत लाइटली लेते हैं और हर बात पे ये कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ ऑफ नो हार्म। यही बात मुझे तुम में लगती है, तुम भी बिल्कुल अलग तरीके के हो, तुम भी अंकल खुसरो जैसे हो और तुम भी इस क्रेजी स्ट्रीट का एक डिसेंडेंट हो। मतलब इस बात को इस तरह से कहा गया है कि तुम भी बिल्कुल अलग तरीके से, तुम बिल्कुल यूनिक हो, तुम भी अलग तरीके से सोचते हो, जैसे हमारे फैमिली में अंकल खुसरो हैं वैसे ही तुम हो। अंकल खुसरो जो है वो कभी बिल्कुल खुश हो जाते हैं, कभी बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, और मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। एरम बताता है उसी के बाद कि एक दिन, जो अंकल खुसरो के बारे में डिस्कशन चल रहा है उसी में बताता है, एरम बताता है कि एक दिन बार्बर शॉप में अंकल खुसरो जो है अपने बाल कटवा रहे थे, तभी उनका जो बेटा है एरिक वो उनके पास आता है और कहता है पापा घर में आग लग चुकी है। और ये सब कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, पर अंकल खुसरो है वो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ ऑफ नो हार्म, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर इतना ज़्यादा अटेंशन मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसा कहते ही जो घर पहुंचते हैं, मतलब इतने कूल, इतने काम तरीके के थे वो कि वो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेते थे। और ऐसा ही उसको मुराद भी लगता है, वो एरम को बोलता है मुराद तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो, मतलब एरम ये मुराद को भी कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो, और ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तभी मुराद जो है एरम को कहता है अब तुम नीचे उतरो, अब मैं इस घोड़े को अकेले राइड करना चाहता हूँ, मैं इसे अकेले चलाना चाहता हूँ। तो मुराद अकेले उसको राइड पर लेके जाता है और लाके वापस छोड़ने ही वाला था, उससे पहले एरम कहता है ये मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल थिंग है कि मैं हॉर्स को राइड कर रहा हूँ और तुम्हें घोड़ा चलाते देख रहा हूँ। और मुराद जो होता है वो घोड़ा चलाने में, मीन्स हॉर्स राइडिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है। ये सब चीज़ों से एरम जो है बहुत खुश होता है। एरम बोलता है अब मैं भी इसको अकेले चलाना चाहता हूँ। तो बोले क्या तुम अकेले चला लोगे? तो एरम बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ पर मैं चला लूँगा। थोड़ी दूर एरम घोड़े को लेके जाता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर घोड़ा थोड़ी दूर जाने के बाद एरम को जो है वो गिरा देता है और एरम जमीन पे गिर चुका है और घोड़ा जो है वो भाग जाता है। अब वो मुराद को आके बात बताता है, मुराद बोलता है नहीं नहीं मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है, चलो पहले घोड़ा ढूंढो, घोड़ा कहाँ चला गया ढूंढो। दोनों ढूंढने जाते हैं और फाइनली मुराद को घोड़ा मिल जाता है।
जैसे ही घोड़ा उनको मिल जाता है तो मुराद कहता है, आई हैव अ वे विद हॉर्सेज, मुझे घोड़ों को डील करना, मुझे घोड़ों को ट्रेन करना अलग तरीके से आता है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। इस सब बातों से एरम बहुत इंप्रेस होता है और वो उसे कहता है कि मुराद प्लीज़ तुम इस घोड़े को बेचना मत, मुझे इस घोड़े को सीखना है, हम क्यों ना रेगुलर विजिट पे जाएं और मैं भी इस घोड़े को सीख लूँ। वो बोलता है ओके देखेंगे, और ये बात करके वो रेगुलर विजिट पे आने लगते हैं। एक महीने का टाइम बीत जाता है। एक दिन शाम उनके घर में दो विजिटर्स बैठे होते हैं। दो विजिटर्स में एक होते हैं अंकल खुसरो और दूसरे होते हैं जॉन बायरन फार्मर, जो आके अंकल खुसरो से कहते हैं कि पता है मेरा घोड़ा एक महीने से मिल नहीं रहा, मेरा घोड़ा खो गया है। एरम ये सब बातें सुन लेता है और सुनने के बाद वो मुराद के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और कहने ही वाला होता है, उससे पहले देखता है कि मुराद जो है वो पेड़ के नीचे बैठा है और एक रॉबिन पक्षी जो होता है, रॉबिन एक बर्ड का नाम है, उस पक्षी के पंख में एक चोट लगी है, उसको ठीक कर रहा है और वो चाहता है कि उसको वापस उड़ा दे, मतलब वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तभी एरम सोचता है कि मुराद ऐसा नहीं कर सकता, मुराद तो एनिमल्स के बारे में कितना अच्छा सोचता है, ये कितना अच्छा है उन लोग इन एनिमल्स के साथ। फिर भी वो उसको ये बात बताता है कि घर पे ये सब हुआ है और जॉन बायरन जो हैं वो हमारे घर आए हैं और खुशरो अंकल से उन्होंने कहा है कि उनका घोड़ा खो चुका है। ठीक है, मुराद बोलता है तो अब बताओ तुम हम क्या करें। तभी एरम कहता है पर जो भी हो अभी इस घोड़े को मत बेचना, मुझे इसको सीखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। फिर एक दिन मॉर्निंग को वो जब घोड़े पर राइड कर रहे होते हैं तभी सामने से जॉन बायरन जिनका वो घोड़ा है ओरिजिनली वो आ जाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो वो उस घोड़े को देख के कहते हैं कि यार ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा ही है, बिल्कुल इसका ऐसा लग रहा है जैसे उसका ट्विन है। ट्विन का मतलब क्या होता है? हमशक्ल। और फिर वो उसके दांत उसके बाद उसकी पूंछ सब कुछ देखता है, बोलता है यार बिल्कुल वैसा का वैसा, हर चीज़ बिल्कुल सेम है। और साथ ही साथ उनको ये चीज़ भी बोलता है, अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता या फिर मैं तुम्हारी कम्युनिटी को नहीं जानता, तुम्हारी ट्राइब को अगर नहीं जानता कि तुम कितने ऑनेस्ट और कितने सच्चे हो, तो ये शायद कहना बुरा नहीं होता कि ये घोड़ा मेरा ही है। पर तुम्हारी कम्युनिटी और तुम्हारी ऑनेस्टी और तुम्हारी ट्रुथ की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, तुम्हारी बड़ी जो मिसालें हैं, उसकी वजह से मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल सकते और ये घोड़ा शायद मेरा नहीं है, ये उसका बिल्कुल हमशक्ल है। उस ट्राइब की तारीफ करते हुए ये सब चीज़ें जब वो बोलता है तब उसके अंदर एक सिचुएशन आती है, वो बोलता है कि नो डाउट ये मेरा नहीं है और मुझे चले जाना चाहिए, और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। दोनों बच्चे जो है उनको रिग्रेट होने लगता है, उनको लगता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, तो क्या करते हैं उस घोड़े को अगले दिन सुबह जाके वहाँ जाके बांध देते हैं जहाँ से वो उसको खोल कर लाए थे। और जो मुराद है वो उसको गुड बाय बिट देता है, उस मतलब उसको बहुत प्यार करता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और उस वहाँ से छोड़ के आ जाते हैं। वहीं जॉन बायरो जो है वो जैसे ही उस घोड़े को देखते हैं बहुत खुश होते हैं और फाइनली वो आते हैं अंकल खुसरो के पास, उनको बताते हैं कि फाइनली मेरा घोड़ा मिल चुका है, जो एक महीने से खोया हुआ था वो मिल गया है। अंकल खुसरो जो होते हैं, आपको तो पता ही अंकल खुसरो कैसे हैं, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं और वापस यही चीज़ बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ ऑफ नो हार्म। ये जो बात है बहुत आराम से बहुत लाइटली तरीके से कही गई है और फाइनली ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। अब जब एंड हो ही गई है तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि एरम और मुराद ने घोड़ा रिटर्न क्यों किया? क्या उन्हें डर लग रहा था या फिर उन्हें ऐसा लगा कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती हैं, कहीं उस पर आँच ना आ जाए? तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ मैं चैप्टर को एंड करता हूँ, इस स्टोरी को एंड करता हूँ। टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना इकोजेड, बाय।